अभिनेत्री कुनिका के पड़ोसियों ने भी पुष्टि की है कि कुनिका के साथ विधायक के बेटे ने बदसलूकी की। हमारे संवाददाता ने कुनिका के पड़ोसियों और मौके पर मौजूद चश्मदीदों से बात की। इस वक्त हम खड़े हैं समर्थ आंगन बिल्डिंग में और यहाँ सुबह एक्ट्रेस कुनिका लाल और विधायक बलदेव के बेटे सिद्धार्थ के बीच में कहासुनी हुई थी, लेकिन आरोप ये लगाया गया था कुनिका की तरफ से कि उनके साथ बदतमीजी से बात की गई थी, अपशब्द भाषा का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, जानते हैं सीधा समर्थ आंगन बिल्डिंग के सदस्यों से। आप बताइएगा कि सुबह क्या हुआ था। सुबह जब हम हमारे सोसाइटी के ऑफिस में बैठे हुए थे तभी हमने बहुत कुछ शोर हंगामा का आवाज सुना, तो हम ऑफिस के बाहर आ गए। हमारे कमेटी मेंबर्स भी बैठे थे, हम सब इमीडिएट बाहर आ गए कि क्या हुआ है। तो उस वक्त हमने देखा कि कुनिका जी के साथ सिद्धार्थ खोसा जी, उनका खोसा जी का बेटा, उनका उनके साथ कुछ बहुत सी कुछ टूटी मन हो रही थी। और उस वक्त शी बीइंग अ लेडी द वर्ड्स व्हाट ही शुड नॉट अटर, इट वाज अ डिस्ग्रेस। तो क्या किसी तरह की अपशब्द भाषा का इस्तेमाल हो रहा था, किस तरीके से आप व्यवहार उस वक्त दोनों के बीच का चल रहा था? बात तो किस बात पे हुई थी ये तो पता नहीं, लेकिन दोनों में बातें इतनी गर्मा गर्मी थी, बट ही वॉज वेरी अग्रेसिव। उनकी लैंग्वेज जो थी इट वॉज आई थिंक अकॉर्डिंग टू माई व्यू इट वॉज अनटॉलरेबल टू एनी लेडी, नॉट ओनली लेडी टू हियर टू द जेंट्स ऑल्सो, तो लैंग्वेज वॉज वेरी फिल्दी। साथ है जो सोसाइटी के लोग उस वक्त यहाँ पर मौजूद थे उनका यही कहना है कि हाँ दोनों के बीच में तकरार हुई थी और जिस तरीके से भाषा का इस्तेमाल हुआ था वो अशोभनीय था। कैमरामैन सुनील खंखरियाल के साथ समीर दीक्षित, मुंबई आज तक।